हे गाइस, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, अभी सुबह सुबह भी इतने पसीने आ रहे हैं। आई थिंक अगस्त में भी बहुत गर्मी होने वाली है। यहाँ पे शंघाई का टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम है ना, या तो बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है या बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, और बारिश पूरे साल होती रहती है, हर दो दिन में बारिश होती है, और इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी, हवा भी नहीं चलती है। यहाँ पे हवा तभी चलती है जब टाइफून आता है। तो अभी ना मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। इवान की जो दादी यहाँ पे थी वो बहुत ही ज्यादा चाइव्स वाली डम्पलिंग बनाती थी, इवान को पसंद थी, वो ही मैं आज बनाने वाली हूँ। उसके बाद ओडिन का कुछ प्लान है बनाने का, आई थिंक फिश केक्स बनाने वाला है जो कि इवान को बहुत पसंद है। स्वागत है मेरी किचन में आपका, जिसमें आप बार बार आते रहते हो क्योंकि मैं किचन वाले ही ब्लॉग्स बनाती हूँ ज्यादातर। इस सब्जी को ना आप चॉपर में नहीं काट सकते क्योंकि उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, हाथ से ही काटना पड़ता है। ये ना अपनी पैन की हीट में ही पक जाएगा पूरा, इसको ज्यादा नहीं पकाने की जरूरत है। जिसमें मैंने अंडा फ्राई किया था उसी में मैं डम्पलिंग्स फ्राई करूंगी, इसको पॉट स्टिकर्स बोलते हैं। ये रही मेरी डम्पलिंग्स, 6 बनाई है मैंने। पुराना आटा था ना ये कल का, तो बहुत ही सॉफ्ट हो गया ये, तो नीचे जब गोल्डन कलर आ जाएगा तब मैं इसमें पानी डाल के इसको बंद कर दूंगी। ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, कितना थिन रैपर है, सब दिख रहा है, दैट्स एक्चुअली गुड। इवान को ट्राई कराते हैं कैसा लगता है, उसको देखते हैं। Look. Yes, nice, huh? Do you like it? Is it tasty? Later. मैं जस्ट नीचे आई और मैंने देखा कि ओडे ने फिश केक्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके गाइस, देखो गर्मी से कोप करने के लिए हमने यहाँ पे फैन लगा दिया है, यहाँ पे कुकिंग चल रही है, चाकू तेज किया जा रहा है। तो ओडे ना फिश बना रहा है और बहुत ही फ्रेश फिश लेके आया है, सुबह सुबह गया था। तो ये जो फिश रखी हुई है वो हम फिश बॉल्स के लिए यूज करेंगे। इसको हमने लीक्स डाल के मैरिनेट किया हुआ है थोड़ी देर के लिए, और जो बोन्स वाला पार्ट है और जो हेड वाला पार्ट है वो हम सूप बनाने के लिए यूज करेंगे, जो कि हम टोफू के साथ बनाएंगे, जो टोफू मैंने कल बनाया था रात को। तो ये हम बना रहे हैं फिश का सूप, उसके लिए ये पिकल जो ग्रीन चिलीज होती है यहाँ की वो निकाल रहा है। ये बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होती है बाय द वे, नूडल्स के साथ या इंडो चाइनीज फूड के साथ मिलती है ना हरी मिर्च, काइंड ऑफ लाइक दैट है। और ये लीक है, ये जिंजर है। तो लीक्स का छिलका यूज किया जाता है फ्लेवर देने के लिए। इसने जूसेस को एब्जॉर्ब कर लिया है जो प्याज है उसके, बट इसको फिर से धोया जा रहा है, बहुत बार धोया जाता है फिश को। ओडिन पहली बार ही बना रहा है जैसे मैंने आपको बताया, तो ये एक्सपेरिमेंट है, बट विधि इसकी वैसी ही है जैसी हम दिखा रहे हैं। इसको निकालना है, यानी इसको यूज नहीं करना है। देखो कितना क्लीन हो गया, ये काइंड ऑफ लाइक अ फिले है, इसमें कोई बोन्स नहीं है।
everyone. What is this? This is mushroom. Mushroom inside. Dried mushroom, Sivan. Okay. Wow. यहाँ पे देखो हमारे गार्डन की सब्जियां भी आ गई है। देखो गाइस कितना सारा फिश कट हो गया है, कितनी बड़ी फिश है ये और पिंक कलर की है। देखो गाइस इससे हड्डियां निकालना बहुत मुश्किल था, आई मीन जो काटा होता है वो निकालना। कॉर्न पाउडर है ये, कॉर्न फ्लावर जो होता है किसी भी चाइनीज मीट बॉल में कॉर्न फ्लावर डलता ही है। देखो कितने फास्ट मिला रहा है उड़ी। तो यहाँ पे हमने फिश बॉल्स के लिए पानी गर्म करके रखा हुआ है, इसमें हम फिश बॉल्स को उबालेंगे। देखो चम्मच से ये बॉल्स बना रहा है उड़ी, कितनी सुंदर है गाइस। और ये बहुत टेस्टी लगती है बच्चों को, बहुत हेल्दी भी होती है क्योंकि प्योर फिश का मीट है इसमें। गैस कम कर दी अपने, देखो आपको दिखाती हूँ। तो गाइज इसमें आपको लग रहा होगा कि फिश की बहुत स्मेल होगी, लेकिन इसमें फिश की स्मेल नहीं होती है क्योंकि इसमें हरी मिर्ची डालते हैं, उससे इतना टेस्ट ओवर पावर हो जाता है ना, उसमें खट्टापान भी होता है साथ में, तो फिश बिल्कुल भी स्मेल ही नहीं लगती और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है विद राइस स्पेशली। गाइज देखो ओडिन ने लगभग सारे बॉल्स बना दिए हैं, सबके सब यहाँ पे, कितने सारे हो गए। इवान को बहुत पसंद है ये, और घर पे बनाते हैं तो हम फ्रेश फिश और एकदम प्योर इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं ना, बाहर से लेते हैं तो कुछ प्रिजर्वेटिव्स और पता नहीं क्या क्या होते हैं, थिकनर्स वगैरह डलते हैं, तो वो सब हम घर पे अवॉइड कर सकते हैं। देखो गाइस फिश बॉल्स का कलर कैसे चेंज हो गया, व्हाइट होते जा रहा है जैसे जैसे पकती जा रही है। ओडिन ने मुझे स्प्रिंग अनियंस लाने बोला है, बड़ा वाला लेती हूँ। ये हमारा टोफू और फिश का सूप तैयार हो गया गाइस, बहुत ही स्पाइसी वाला सूप, सूप नहीं बोल सकते क्योंकि इसके सूप को ड्रिंक नहीं कर सकते, ये बहुत ही स्पाइसी है। ये देखो आप अब इसको अच्छे से ठंडा करने वाले हैं हम। तो ये हमने गार्डन से उखाड़े थे अपने आज सुबह, इसका लगते पालक के जैसे हैं बट ये बहुत अलग होते हैं, इसमें थोड़ा स्लाइमी सा टेक्सचर होता है। यहाँ पे ओडिन ने थोड़ा सा गार्लिक काट के रखा हुआ है, तो जो फिश को उबालने के बाद थोड़ा पानी में जो फिश रह गई थी ना, फिश के पार्टिकल्स, उसको एज अ सूप रख दिया है हमने, जो कि हम अपनी नई डिश में भी ऐड करने वाले हैं थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं, इसमें हमें थोड़ी सब्जी डाल देंगे, बहुत ही सिंपल है गाइस। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आने लगी है ना, ये जो सब्जी है बहुत ही यूनिक इसकी स्मेल है। इसमें हमने थोड़ा नमक डाल दिया है, थोड़ा MSG। अब इसमें हम सूप डाल रहे हैं फिश वाला थोड़ा सा, और इस फिश में बिल्कुल भी स्मेल नहीं है गाइस। गाइस खाने का टाइम आ गया है, ओडिन ऑलरेडी खाने लग गया, मैं इवान के साथ थी ऊपर। थोड़ा सा राइस लेते हैं यहाँ पे, टेस्टी है, इवान को पसंद आ गया। गाइस मैं लूंगी थोड़ा सा टोफू यहाँ पे और थोड़ी सी फिश। Look. Yeah, you can
Eat it. Okay. Remove the seed, okay? You can't. Enough. Oh my god, इस सब्जी का इतना अच्छा टेस्ट है ना गाइज. और इसको हम ना फिश बॉल्स को इस सूप में डिप करके भी खा सकते हैं. बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही हेल्दी फीलिंग आ रही है. तो गाइस ये फिश केक जो है ना चाइना जापान कोरिया वगैरह में बहुत जगह पॉपुलर है और लोग इसको नूडल में किसी भी चीज में डाल के खाते हैं. बच्चों को बहुत पसंद आती है ये क्योंकि इसमें कांटे नहीं होते और बच्चों की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि इसमें फिश होती है. तो फिश केक्स को लोग रामेन में भी डालते हैं. बहुत अलग अलग कलर्स के डिजाइन के भी बनते हैं. जो मैं खा रही हूँ इसमें वो स्प्रिंगी टेक्सचर नहीं आया जो कि मार्केट वाले फिश केक्स में होता है, क्योंकि वो जो टेक्सचर होता है बाउंसी वाला टेक्सचर वो तब आता है अगर आप उसमें खूब सारी हवा भर देते हो. उसके लिए एक मशीन चाहिए होती है जो हमारे पास नहीं है. मशीन हम जब लेंगे तो शायद ज्यादा अच्छे फिश केक्स बनेंगे हमारे.